यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब देख सकते हैं वीडियो के टाइटल में, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस कब डाउन जाएंगे। और कुछ लीक सामने आए हैं हमारे पास 3070 Ti और 3080 Ti को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं LHR सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं LHR सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। LHR सीरीज़ क्या है, इसको क्यों रिलीज़ किया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। LHR सीरीज़ एक है सीरीज, स्पेशल सीरीज़ रिलीज़ कर गई है NVIDIA की तरफ से। इसमें इन्होंने क्या करा है, जो हैश रेट होता है इसको बहुत लिमिटेड कर दिया ताकि माइनर्स इसको ना खरीदें, इसलिए इसका नाम रखा गया है लाइट हैश रेट सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको जो हैश रेट मिलेगा वो जो पुरानी सीरीज़ थी उसके मुकाबले बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए माइनर्स इसको नहीं खरीदेंगे, ऐसा NVIDIA का मानना है। तो शायद हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन हम होप करते हैं ऐसा हो, ताकि हम गेमर्स को, जो नॉर्मल बंदे जो ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहते हैं, उनको ये ग्राफिक कार्ड आसानी से मिल जाए। और इसके जो ग्राफिक्स कार्ड हैं ये बहुत ही जल्दी मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ग्राफिक्स कार्ड के जैसा कि आप देख सकते हैं, गैलेक्सी ने रिलीज़ किया था। अब दूसरी कंपनी जो इसने जिसने रिलीज़ की है ग्राफिक कार्ड, वो है GIGABYTE। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं आपके सामने जो ये स्क्रीन आई है, GIGABYTE आउट फर्स्ट लाइट हैश्रेट ग्राफिक्स है। मतलब GIGABYTE ने भी अपने सबसे पहले जो ग्राफिक्स कार्ड है LHR सीरीज़ वाले, वो लॉन्च कर दिए। सबसे पहले इसने गैलेक्स ने लॉन्च किया था, अब GIGABYTE दूसरी कंपनी है जिसने ऐसा किया है। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, इन्होंने RTX 3060 के साथ जो अपने LHR सीरीज़ वाले ग्राफिक कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए। इसमें जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। उनकी जो PCB डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यू फीचर्स इसमें लिखता है कि विच इज़ नॉट पिक्चर्ड बाई GIGABYTE, ऑफ कोर्स ईच ऑफ दोज कार्ड फीचर्स अ न्यू GA106302 GPU विच इज़ द LHR वेरिएंट। मतलब कि जो GIGABYTE है उसने अपने GPU नए लॉन्च कर दिए हैं, जिनका ये कोड वगैरह आप देख सकते हैं। इनकी गेमिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनिंग के टाइम पर जो इसकी जो हैश रेट होते थे वो बहुत ही ज़्यादा लो कर दिए गए हैं। अब इतना प्रॉफिट इन्हें नहीं दे पाएंगे माइनर्स को, तो हो सकता है माइनर्स इन्हें ना भी खरीदे। तो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, मैं ये होप करता हूँ कि LHR सीरीज़ आने से ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस डाउन जाएंगे, लेकिन जो ये शॉर्टेज है, मैं बता दूँ कि शॉर्टेज आर्टिफिशियली बनाई गई है इंडिया में। मेरे हिसाब से तो यही नहीं है कि जो शॉर्टेज है वो वैसे तो है कंपनी की तरफ से, लेकिन इतनी ज़्यादा शॉर्टेज जो पीक पर दिखाई गई ना शॉर्टेज, वो ऑफिशियली नहीं है, यह बनाई गई है। क्योंकि जो स्टॉक था ना वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था डीलर्स के पास, और ये मैं बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप मुझ पर विश्वास कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ उसके आप पर, कि जो ये जो शॉर्टेज दिखाई गई है ना, ये असली नहीं है, ये जानबूझ के पीक बनाई गई है ताकि जो जितने पुराने ग्राफिक्स कार्ड हैं वो भी निकल जाएँ। और ये डीलर्स क्या कर रहे हैं कि जो होलसेलर हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आप उनसे ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं, जो नॉर्मल जो बंदे जिनकी पीसी की शॉप है, वो अगर उनसे ग्राफिक कार्ड लेते तो वो कहते हैं आपको नहीं, हमारे से कैबिनेट भी लेना पड़ेगा तभी हम आपको ग्राफिक कार्ड देंगे नॉर्मल प्राइस पे। तो इस वजह से भी इसका प्राइस हाई है, क्योंकि बंदा वो जब उस कैबिनेट लेगा तो उसको अपना वो भी खर्चा निकालना है, तो इस वजह से आपको ग्राफिक कार्ड के प्राइस हाई पे करने पड़ेंगे। तो जो कंपनी ने NVIDIA ने कहा है कि जो शॉर्टेज है ये बहुत ही जल्दी कम कर दिया जाएगा। तो मैं बता दूँ आपको कि जो दिसंबर से पहले इसको कम होने का कोई चांस नहीं है। तो अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्राफिक कार्ड लगाना, तो ही आप PC बिल्ड के साथ इस टाइम जाइएगा। लेकिन हो सकता है अगर ये LHR सीरीज़ कामयाब रहती है, तो हो सकता है अगस्त के टाइम पे आपको प्राइस जो है ड्रॉप देखने में मिले। लेकिन NVIDIA ने जो कहा है उसके हिसाब से तो दिसंबर तक कोई चांस नहीं है प्राइस ड्रॉप होने का। तो अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हैं तो अभी भी अच्छा टाइम है, आप PC बिल्ड कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रैम हुआ, SSD हुई है, आप अभी से खरीद कर रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके भी प्राइस आगे जाके बढ़ जाए, क्योंकि स्टोरेज के साथ भी अब माइनिंग शुरू हो चुकी है। उसके लिए नई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे।
इसी बात का फ़ायदा शायद इंटेल भी उठा सकता है कि अगर प्राइस हाई रहते हैं एनवीडिया की तरफ से, मतलब कि अगर एनवीडिया शॉर्टेज को पूरा नहीं कर पाता है तो हो सकता है इंटेल उसका फ़ायदा उठा ले, क्योंकि इंटेल भी अपने जो डेडिकेटेड जीपीयू हैं वो भी मार्केट में लाने वाला है बहुत ही जल्द, वो भी जीपीयू आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इंटेल इसका पूरा फ़ायदा उठाने की पूरी 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 कोशिश करेगा कि किसी तरह वो एनवीडिया के मार्केट को या एएमडी के मार्केट को टेक ओवर कर सके। और हाँ, जो ये एलएचआर वाली सीरीज है ना, एएमडी भी निकालने वाला है, लेकिन वो किसी और नाम से निकालेगा जिसमें हैश रेट जो है उसको लिमिट कर दिया जाएगा एनवीडिया की तरह ही। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे पास लीक आए हैं RTX 3080 Ti, 3070 Ti और 3050 Ti को लेके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, RTX 3050 Ti। मैं सबसे पहले बात करते हैं RTX 3070 3080 Ti के बारे में। NVIDIA जो है बहुत ही जल्दी लॉन्च की तैयारी कर रहा है अपने दो नए 30 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड, जो RTX सीरीज़ के हैं, जो कि हैं RTX 3070 Ti एंड RTX 3080 Ti। NVIDIA बहुत ही जल्दी इन दोनों को लॉन्च करेगा। इसके साथ साथ हो सकता है RTX 3050 Ti भी इसके साथ लॉन्च होते हुए दिखाई दे। जो RTX 3050 Ti है आपने पहले देखा होगा, जैसे कि कुछ लीक्स निकल के आए थे लैपटॉप के वेरिएंट के, मोबाइल GPUs के, जिसमें दिखाया गया था कि 4GB का ये ग्राफिक कार्ड होगा GDDR6 मेमोरी के साथ, और ये बजट सेगमेंट के अंदर लैपटॉप के अंदर रे ट्रेसिंग लेके आएगा। जो पहले जो बजट लैपटॉप आते थे ना 50,000 और 60,000 के अराउंड, जिसमें 1650 कार्ड आता था, उसको हटा के अब शायद ये RTX 3050 Ti वाले ग्राफिक्स कार्ड आएंगे। और अगर वो 60,000 में भी लैपटॉप आते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस होगा, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस होगा इस RTX 3050 Ti के लिए, क्योंकि एक ऐसा सीरीज़ ऐसे ग्राफिक कार्ड है जो 30 सीरीज़ यानी लेटेस्ट सीरीज़ के साथ आते हैं, आपको अच्छे क्यूडा कोर्स देंगे, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे FPS तक निकाल के देंगे। जैसा कि आप अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं जो NVIDIA ने नए अपने GPU RTX 3050 Ti के लैपटॉप के परफॉर्मेंस को देकर निकाले हैं। सॉरी, NVIDIA ने नहीं, लीक्स निकल के आए हैं जो कि जो इसके परफॉर्मेंस के बारे में। असली जो टेस्टिंग होगी वो तो लैपटॉप्स आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अगर लैपटॉप के लिए आया है, मोबाइल GPU आया है मतलब, तो वो 100% डेस्कटॉप के लिए भी आएगा। तो हो सकता है NVIDIA इस बात की प्लानिंग कर रहा हो कि RTX 3080 Ti और 3070 Ti के साथ ही RTX 3050 Ti भी लॉन्च करा जाए, जैसे कि आपने देखा होगा RTX 2080 Ti लॉन्च किया गया था, ताकि वो मार्केट पे एक संग कब्जा कर सके वो मिड रेंज ग्राफिक कार्ड के लिए। और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस, जैसे कि आपने देखा था जो अभी RTX 3060 Ti आया था, वो 29,500 में इंडिया में लॉन्च होना था, लेकिन इस कंडीशन की वजह से आज उसका प्राइस डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है कुछ जगह तो। तो अगर मेरे हिसाब से अगर वो 29,500 का आया था RTX 3060 Ti, तो RTX 3050 Ti अप्रॉक्स 24,000 टू 25,000 तक आना चाहिए, लेकिन आपको कितने में मिलता है ये तो लॉन्चिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि RTX 3050 Ti जरूर आएगा, RTX 3050 भी आएगा, हो सकता है RTX 3050 सुपर भी आ जाए, क्योंकि NVIDIA 3050 सुपर 3050 Ti निकाले, लेकिन हो सकता है NVIDIA कुछ और नाम भी दे इन सीरीज़ को। तो देखते हैं, जब भी वो ग्राफिक्स कार्ड आएंगे हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे इस बारे में। तो इस अगर आप चाहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ दोस्तों, कुछ लीक्स मेरे पास आए हैं उसके हिसाब से, जो ये RTX 3070 Ti और 3080 Ti है, ये मे बी 2nd जून और 9th ऑफ जून को रिलीज़ हो सकते हैं या लॉन्च हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है 2nd जून को RTX 3070 Ti आए और 9 जून को 3080 Ti भी आए, लेकिन यह ज़रूर है ये शायद जून में ही आएंगे। मेरे पास कुछ लीक्स आए हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ना भी आए, NVIDIA कुछ और प्लानिंग कर रहा हो शायद, लेकिन हाँ, जो RTX 3050 Ti है वो आपको अगस्त तक लॉन्च होता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में। आज यानी 18 मई को
इसकी प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। अगर आप प्री रजिस्टर करना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप प्री रजिस्टर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी जल्दी जल्दी प्री रजिस्टर करते हैं तो आपको वेलकम गिफ्ट भी कुछ मिलेंगे जब गेम असली गेम आ जाएगा। और लीक के मुताबिक ये गेम बहुत ही जल्दी यानी जून में पहले वीक में 10 तारीख से पहले आ सकता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ और नया चाहते हैं तो आप चाहते हैं हम कुछ और नई वीडियो बनाए किसी और टॉपिक के बारे में तो आप नीचे वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।